हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी बाय निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास एमफीबिया से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन लिम्बलेस एम्फीबियंस। निम्नलिखित में से कौन एक लिम्बलेस एम्फीबियंस है, मीन्स इसमें जिसमें लिम्ब नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है सैलमेंड्रा, ऑप्शन बी है इक्थियोपिस, ऑप्शन सी इंगुइला, ऑप्शन डी फेरेटिमा, ऑप्शन ई है ब्यूफो। तो लिम्बलेस एम्फीबियंस है इक्थियोपिस। इक्थियोपिस में लिम्ब्स नहीं पाए जाते हैं। इनकी बॉडी इलांगेटेड होती है, वर्म लाइक होती है और ये बारोइंग होते हैं, मीन्स बिल बना करके रहते हैं। और इनकी डर्मल इनमें डर्मल स्केल्स इनकी स्किन में धसी हुई होती हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी इक्थियोपिस। इक्थियोपिस ऑर्डर जिम्नोफियोना या एपोडा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्फीबियन लैकिंग टंग इज। एक एम्फीबियंस जिसमें टंग जीवा नहीं होती है। ऑप्शन ए है नेक्टरस, ऑप्शन बी एम्फियुमा, ऑप्शन सी सेलेमेंड्रा, ऑप्शन डी इक्थियोपिस। तो इनमें से एक एम्फीबियन है जिसमें कि टंग्स नहीं पाई जाती या जीभ नहीं पाई जाती, वो है इक्थियोपिस। सीधी इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी इक्थियोपिस। इक्थियोपिस में ना तो लिम्ब पाए जाते हैं और ना तो टंग पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन इंडियन बुलफ्रॉग इज। कॉमन इंडियन बुलफ्रॉग है, समान इंडियन बुलफ्रॉग है। ऑप्शन ए है राना ट्रेग्रीना, ऑप्शन बी है राना स्कुलेंटा, ऑप्शन सी है राना सिल्वेटिका, ऑप्शन डी है राना साइनोफाइलेक्टिस। तो इनमें से कॉमन इंडियन बुलफ्रॉग है राना ट्रिग्रीना। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए राना ट्रिग्रीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इवन आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड। तो ऑप्शन ए है ओंटोजेनेसिस, ऑप्शन बी पार्थिनोजेनेसिस, ऑप्शन सी न्यूटनी, ऑप्शन डी है फाइलोजेनेसिस। तो लार्वल कैरेक्टर जिसमें पाए जाते हैं और वो पूरी तरीके से सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑब्टेन कर लेता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है न्यूटनी। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉग इज फ्रॉग है। ऑप्शन ए है अमीनोटेलिक, ऑप्शन बी अमोनोटेलिक, ऑप्शन सी यूरियोटेलिक, ऑप्शन डी यूरिकोटेलिक। तो फ्रॉग जो होता है वो यूरियोटेलिक होता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी यूरियोटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटनी इज फाउंड इन, न्यूटनी पाई जाती है। ऑप्शन है टैडपोल, ऑप्शन बी सैलामेंडर, ऑप्शन सी हाइला, ऑप्शन डी एक्सोलोटल। तो न्यूटनी जो होती है, जैसा कि हमने बताया कि न्यूटनी एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो लार्वल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं तभी उसमें वो लार्वा पूरी तरीके से सेक्सुअल मैच्योरिटी लार्वा में हो जाती है, उसी प्रक्रिया को न्यूटनी या पीडोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये न्यूटनी पाई जाती है एक्जोलोटल लार्वा में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी एक्जोलोटल लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉग बिलोंग्स टू द ऑर्डर, फ्रॉग किस ऑर्डर से संबंधित है। ऑप्शन है यूरोडेला, ऑप्शन बी है एपोडा, ऑप्शन सी है काउडाटा और ऑप्शन डी एनेयूरा। तो फ्रॉग ये संबंधित है एनेयूरा ऑर्डर से, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी एनेयूरा। एनेयूरा ऑर्डर को साइलेंटिया ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंतर्गत आने वाले मोस्टली फ्रॉग और टोड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शनल किडनी ऑफ फ्रॉग टैडपोल इज। फ्रॉग टैडपोल की कार्यात्मक किडनी होती है। ऑप्शन ए प्रोनेफ्रॉस, ऑप्शन बी मेजोनेफ्रॉस, ऑप्शन सी मेटानेफ्रॉस, ऑप्शन डी आर्किनोनेफ्रॉस आर्किनेफ्रॉस। तो टैडपोल फ्रॉग जो फ्रॉग टैडपोल होता है उसकी जो फंक्शनल किडनी होती है वो थी प्रोनेफ्रॉस। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए प्रोनेफ्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग फ्रॉग इज। फ्लाइंग फ्रॉग है, उड़ने वाला फ्रॉग है। ऑप्शन है या मेढक है, ऑप्शन ए हाइला,
ऑप्शन बी रैकोफोरास, ऑप्शन सी एम्बिस्टोमा और ऑप्शन डी है स्टाइलोस्टर्नस। तो फ्लाइंग फ्रॉग या उड़ने वाला जो फ्रॉग मेढक होता है वो होता है रैकोफोरास। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी रैकोफोरास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोलोटल इज द नेम गिवेन टू द लार्वा ऑफ एक्सोलोटल, ये किसके लार्वा का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए सिल्कवार्म, ऑप्शन बी एम्बिस्टोमा, ऑप्शन सी एम्फीऑक्सस, ऑप्शन डी है राउंडवर्म। तो एक्सोलोटल लार्वा ये नाम दिया गया है एम्बिस्टोमा के लार्वा को, एम्बिस्टोमा के लार्वा को एक्सोलोटल कहा जाता है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी एम्बिस्टोमा। क्वेश्चन है लिम्बलेस एम्फीबियंस बिलोंग्स टू द ऑर्डर लिम्बलेस एम्फीबियंस, ये किस ऑर्डर से संबंधित है। ऑप्शन ए जिम्नोफियना, ऑप्शन बी यूरोडेला, ऑप्शन सी इनेउरा और ऑप्शन डी है कवडाटा। तो लिम्बलेस एम्फीबियंस ये ऑर्डर जिम्नोफियना से संबंधित है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए जिम्नोफियना। जैसा कि हमने पहले बताया कि जिम्नोफियना को एपोडा ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंतर्गत इक्थियोफिस आती है, जबकि यूरोडेला यूरोडेला को कवडाटा के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंतर्गत सैलामेंडर नेक्ट्रस ये आती हैं, और जबकि एन्यूरा के अंतर्गत जो आती है एन्यूरा क्लास को साइलेंटिया क्लास एन्यूरा ऑर्डर को साइलेंटिया ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंतर्गत फ्रॉग्स और टोड्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंसेस्ट्रल एम्फीबियंस वेयर टेट्रापोड्स दैट्स इवॉल्व ड्यूरिंग, पूर्वज एम्फीबियंस जो कि टेट्रापोड्स थे वे विकसित हुए थे किस दौरान। ऑप्शन ए ऑर्डोविसियन पीरियड, ऑप्शन बी सिल्यूरियन पीरियड, ऑप्शन सी डेवोनियन पीरियड, ऑप्शन सी डेवोनियन पीरियड, ऑप्शन डी कार्बोनिफेरस पीरियड। तो एंसेस्ट्रल एम्फीबियंस जो कि टेट्रापोड्स थे और ये विकसित हुए थे डेवोनियन पीरियड में, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी डेवोनियन पीरियड। जो एम्फीबियंस थे वे डेवोनियन पीरियड में इवॉल्व हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम्फीबिया स्केल्स आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ, एम्फीबिया में किसकी स्किन में स्केल्स पाई जाती हैं। ऑप्शन ए टोड, ऑप्शन बी साइरेन, ऑप्शन सी इक्थियोफिस, ऑप्शन डी प्रोटियस। तो इनमें से एम्फीबिया क्लास के अंतर्गत आने वाले एनिमल इक्थियोफिस है जिनकी स्किन में स्केल्स पाई जाती हैं, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी इक्थियोफिस, इक्थियोफिस की स्किन में स्केल्स धसी हुई पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्थियोफिस इज ए मेंबर ऑफ, इक्थियोफिस सदस्य है। ऑप्शन ए रेप्टिलिया, ऑप्शन बी मोलस्का, ऑप्शन सी एनेलिडा, ऑप्शन डी एम्फीबिया। तो इक्थियोफिस जो है ये क्लास एम्फीबिया का मेंबर है या एम्फीबिया का सदस्य है, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी एम्फीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ सीलोम इज फाउंड इन फ्रॉग, किस प्रकार की सीलोम फ्रॉग में पाई जाती है मेढक में पाई जाती है। ऑप्शन है एंट्रोसील, ऑप्शन बी साइजोसील, ऑप्शन सी सीडोसील, ऑप्शन डी हीमोसील। तो फ्रॉग में जो सीलोम पाई जाती है वो होती है साइजोसील, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी साइजोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीथ इन फ्रॉग और मेढक में दांत होते हैं। ऑप्शन है एक्रोडोंट, ऑप्शन बी होमोडोंट, ऑप्शन सी पॉलीफाइडोंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रॉग में एक्रोडोंट होमोडोंट और पॉलीफाइडोंट टीथ पाए जाते हैं, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, इनमें सभी एक्रोडोंट होमोडोंट और पॉलीफाइडोंट दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज थ्री चैम्बर्ड हार्ट, निम्नलिखित में से किसमें तीन चैम्बर हृदय पाया जाता है। ऑप्शन ए सैलामेंडर, ऑप्शन बी फिशेस, ऑप्शन सी क्रोकोडाइल, ऑप्शन डी टर्टोइस। तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है सैलामेंडर का, या एम्फीबिया क्लास के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें जो हार्ट होता है वो उनमें थ्री चैम्बर पाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए सैलामेंडर, सैलामेंडर में थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, इनमें जो इनमें दो आर्किल्स और एक बेंट्रिकल्स पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटिंक्ट एम्फीबियन इज, विलुप्त एम्फीबियंस है, ऑप्शन है डिप्लोकॉलस, ऑप्शन बी नेट्रस, ऑप्शन सी डिप्लोडाक्टस, ऑप्शन डी है सिमोरिया। तो एक्सटिंक्ट जो एम्फीबियंस इसमें से है वो है डिप्लोकॉलस, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए डिप्लोकॉलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट शो द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल ईयर स्टेरियन रेसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, निम्नलिखित में से किस वर्टिब्रेट में मिडिल ईयर का निर्माण प्रदर्शित होता है पहली बार के लिए किसमें मिडिल ईयर का फॉर्मेशन प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है किस वर्टिब्रेट में, ऑप्शन ए है राना, ऑप्शन बी इकिस, ऑप्शन सी एक्जोसिटस, ऑप्शन डी हिप्पोकैम्पस। तो इनमें से जो वर्टिब्रेट है जिनमें पहली बार मिडिल ईयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है वो है राना, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए राना। क्वेश्चन है लिम्बलेस एम्फीबियन आर कॉल्ड, लिम्बलेस एम्फीबियंस कहलाते हैं, ऑप्शन है पैडल वर्म, ऑप्शन बी है ग्लो वर्म, ऑप्शन सी है कैसीलियन, ऑप्शन डी है पिन वर्म। तो लिम्बलेस एम्फीबियंस को कहा जाता है कैसीलियन या ब्लाइंड वर्म, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी कैसीलियन। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कौन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।